Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। ये मेरे इस महीने की पगार। विनोद बेटा, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। मुझे पैसे लेने ही होंगे। देख, मुझे तेरे पैसों की जरूरत नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि मैं तुझ पर बोझ ना बन जाऊं, और मेरे लिए मेरी पेंशन काफी है। अरे, किसने कहा कि तू मुझ पर बोझ है? तू मेरी आई है और तेरी जरूरतों को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। पिछले 18 साल से मैं कर्तव्य पूरा नहीं कर पा रहा था। आज मौका मिला था तो प्लीज मुझे मेरा कर्तव्य पूरा करने दे। प्लीज ये पैसे रख ले आई। हाँ, ये विनोद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप ये पैसे ले लीजिए। हम लोग ज्यादा कुछ तो और नहीं कर सकते। घर का इसमें थोड़ी मदद करना चाहते हैं। रख लीजिए ना आई प्लीज। अरे लेकिन पुन्नी की शादी का खर्चा भी तो है। आई वो सब छोड़िए, मुन्नी खुद भी तो अब कमाने लगी है। उसकी जो तनख्वाह आएगी उसे सेव कर लेंगे, उससे उसकी शादी हो जाएगी। ये पैसे आप रख लीजिए। ये आई को क्या हो गया? बाबा की हाँ में हाँ मिलाई जा रही है। स्ट्रेंज आई। हाँ प्लीज। आई, अब तुझे वर्षा के बारे में सोचकर अपने आप को तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं। आई दादा है, मैं हूँ, वैशु है, हम भी तो तेरे बच्चे हैं ना, और हम तेरे संस्कारों पर चल रहे हैं, इसलिए अब तो हमारे बारे में सोच। आई पता है, जब भी मैं सोहम के बारे में सोचती हूँ ना तो मुझे बहुत तकलीफ होती, लेकिन फिर मैं अपने बच्चों के बारे में सोचने लगती हूँ जब मुझसे इतना प्यार करते हैं। फिर सोहम को लेकर मेरी तकलीफ थोड़ी कम हो जाती। अब तू भी ऐसी करेगी, हमारे बारे में सोचे। आ रहा हूं। हाय। आप यहां? हाँ, क्यों? आप जाइए यहाँ से। मेरी माँ ये नहीं जानती कि आप अपनी आजी की पोती हैं। अब वो तो मैं हूँ। मेरी माँ ये नहीं जानती आप सविता जी की पोती हैं। अगर उनका पता चल गया तो मेरी तो लग। तो क्या हो गया? अगर उन्हें पता चल भी गया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मेरे साथ लड़ाई करेंगी। अच्छा, डोंट वरी, मैं नहीं बताऊंगी। तुम बताना चाहो तो मैं उन्हें क्यों बताऊंगा? मैं उन्हें कभी नहीं बताऊंगा। लेकिन अगर उन्हें पता चल गया, अगर पूछे कि आप कौन हो। कौन है जिग्नेश? वो मार्केट वाली बात मत छेड़ना, चश्मे वाली बात भी मत छेड़ना, और ऐसे बिहेव करना कि हम दोनों पहली बार मिले हैं। कौन है जिग्नेश? और छबी जी, हाय। वो मैं कौन? आप स्नेहलता खानदेशी? आईडी नहीं, मेरा नाम तो मेरे को मालूम नहीं होएगा ना। तेरा नाम क्या है? मीन्स के नेम। अब मैं वो ये ग्राहक है तो पहले से बोलने का ना। तू भी कैसा बेटा? अच्छा किया आई तू, लेकिन ऐसा है कि हम लोग भाई ये नाश्ता है ना, हम लोग घर पे नहीं बेचते, दुकान में बेचते हैं, है ना? घर में ऐसा मींस के डोंट डिस्टर्ब। अब ओके। अरे आप? अच्छा वक्त तुम ही हो। तू पहचानता है इसको? हाँ माँ, ये तो मेरी दोस्त है, तेजस्वी। थे ये ऑर्डर देने आई है। अच्छा अच्छा, दोस्त है, मेरे को मालूम नहीं था। शोरी है बेटा, शोरी। अच्छा अंदर आजा, मींस के कम इन। हाँ ना, आजा। शोरी, मेरे को मालूम नहीं था दोस्त है तू, मुझे खोराक लगा। बैठ बैठ बैठ, ये इसका भी कमाल है, 2 हफ्ते हुए नहीं और दोस्त बना लिया इसने। कहाँ पे रहती हो बेटा? मींस के स्टेइंग वेयर? इसी चौल में।
इधर जो, फिर तो तुम उसको झगड़ालू औरत को पहचानती होगी। मेरी रोटी जल गई। बैठ 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 बैठ, खाना खा के जाना। बेस बेस नहीं नहीं, आई एम फाइन। लाइक नहीं नहीं, क्या फाइन फाइन बेस ने अवे। चला जा जा, तू क्यों इधर खड़ा है? लेकिन तेरे को जाने का नहीं है, जा अभी जल्दी जा। नहीं तैयार हो रहा हूँ ना, हो रहा हूँ तैयार। सब लेडीज लोग तेरा वेट कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा गलत मत समझना बाबा, साड़ी की दुकान पे काम करता है। ओह ओह, दैट्स कूल। हाँ बहुत माहिर है ये सब में, लेडीज लोग बहुत पॉपुलर है ये। ये मेरा लड़का लाखों में एक है एकदम। चल अभी चल। मैं क्या बोलती हूँ, वो साड़ी का क्या हुआ? मेरे लिए लाने वाला था ना। नहीं नहीं मम्मी, मैं इस बार नहीं कर पाऊंगा। अच्छा चल ले तू ऐसे। सो यहाँ कैसे? हाँ, तुम अपनी ये बिल बुक और पासबुक छोड़ गए थे, वही लौट आने आई हूँ। तुम्हें फोन भी किया, तुम्हारा नंबर ऑफ था, सोचा भाई आ जाऊं। और घर का एड्रेस? घर का एड्रेस दो चार लोगों से पूछा, बस यहाँ तक पहुंच गई। थैंक्स अ लॉट। यू वेलकम। सो कितने बजे? कितने बजे क्या? देखो मैं 3:30 बजे तक फ्री हो जाता हूँ। तुम कोई जॉब करती हो? नहीं। सॉरी रॉन्ग क्वेश्चन, इतने बड़े आदमी की बेटी हो, जॉब थोड़ी करोगी? ऐसी बात नहीं है, मैं जॉब कर भी सकती हूँ। कोई क्लास क्लास? नहीं। तो ठीक है, 4 बजे। 4 बजे क्या? कॉफी? What? हाँ, हम कॉफी पीने जा रहे हैं। मैंने कब कहा मैं तुम्हारे साथ कॉफी पीने जाऊंगी? तुमने नहीं कहा इसलिए तो मैं कह रहा हूँ। देखो बांद्रा में एक बहुत अच्छा कॉफी शॉप है, अब ये मत सोचना कि मैं तुमसे फ्लर्ट कर रहा हूँ। नहीं, एक अच्छे दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारे जा रहा हूँ। सो 4 बजे। मैं यहाँ पे तुम्हारी बिल बुक और ये पासबुक लौटाने आई थी, यहाँ बैठ के तुम्हारे साथ कॉफी की प्लानिंग करने नहीं आई थी। मैं जा रही हूँ। ओके बाय। 4 बजे। मैं नहीं आऊंगी। पूर्वी तुम यहाँ? हाँ वो एक चेक कलेक्ट करने आई थी। चलो काम के लिए सही, लेकिन तुम यहाँ आई तो सही। सच में बहुत अच्छा लग रहा है आज तुम्हें यहाँ देख के। मुझे भी तुम सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है, पता है मैं कितना मिस करती थी तुम लोग। सच? अच्छा ये लो, आप लोगों के चेक रहे। विद्या मोरे। यस सर। ये लो कल्पना कदम। जी सर। ये तुम्हारा चेक। संदीप नाडकर्णी, और देखिए आप सब लोग जाते समय इस पर साइन कर दीजिएगा, जिससे कि आपको चेक मिल गए हैं। सर वो पूर्वी देशमुख के नाम से भी एक चेक होगा। अभी अभी मैंने जिन लोगों के नाम अनाउंस किए केवल उनके चेक्स हैंडओवर करने को कहा है। आप एक काम कीजिए, अर्जुन जी से मिल लीजिए, उनसे सेशन डेटा ले लीजिए, जो भी आपके ड्यूज होंगे वो क्लियर कर दिए जाएंगे। अब अर्जुन के सामने कैसे जाऊं? मैं कम इन। पूर्वी कम इन कम इन। हाय। व्हाट अ सरप्राइज। कम सिट सिट सिट। नहीं इट्स ओके, वो मेरा ग्रेच्युटी अमाउंट पेंडिंग था तो मुझे तुम्हारे आपके सिग्नेचर्स चाहिए थे। ये ग्रेच्युटी अमाउंट अच्छा है कि तुम इसी बहाने यहाँ पर आ गई, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। पूर्वी वो आई नो कि तुम पिछले काफ़ी टाइम से एक अच्छे जॉब की तलाश में हो, और मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस वक्त काम की भी बहुत ज़रूरत है, तो ऑफिस फिर से ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती? नहीं वो मैंने बहुत सारी कंपनीज में अप्लाई किया है, आई होप कि जल्दी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। ओके वैसे लुक उस दिन तुमने मुझे कहा था कि उस दिन मेरी शादी को 1 महीना हो गया और ओवी को खुश रखना चाहिए और उसका ख्याल रखना चाहिए,
सब कुछ किया मैंने। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।